हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन बुल्स रैंच क्लीन एंड होफमोन क्लीन, यानी कि ये जो क्लीन होती है इनमें आपस में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें इनकी शेप। तो बुल्स रैंच क्लीन जो होती है इसकी शेप कैसी होती है, इसकी होती है रेक्टेंगल भी हो सकती है, सर्कुलर और ओवल शेप भी हो सकती है। जबकि जो होफमोन क्लीन है इसकी शेप कैसी होती है, ये सर्कुलर शेप में ही अवेलेबल होती है। नेक्स्ट बात करें इनका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। तो यह जो भट्टा होता है वो हाइट रेंच खोद कर बनाया जाता है, यानी गहरा गड्ढा खोद कर बनाया जाता है। इसलिए ये जो होता है वो पूरा अंडरग्राउंड या फिर पार्शली अंडरग्राउंड भी हो सकता है। जबकि जो होफमोन क्लीन होती है ये कैसा होता है, कम्प्लीटली ग्राउंड के ऊपर बना होता है। अब बात करें बर्निंग कैपेसिटी। तो बुल्स रैंच क्लीन जो होती है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, उसमें एक बार में 300,000 ब्रिक्स जो होती है वो 12 डेज़ के अंदर पकाई जा सकती है। जबकि होफमोन क्लीन जो होती है उसमें 1 डे के अंदर ही 40,00,000 ब्रिक्स जो होती है वो पकाई जा सकती है, यानी कि इसकी कैपेसिटी जो होती है इसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट बात करें कंटिन्यूटी ऑफ वर्क। तो ये जो भट्टा होता है वो सेमी कंटिन्यूस होता है, यानी कि मानसून सीजन में इसका यूज़ जो होता है वो नहीं किया जा सकता। जबकि ये जो होता है प्रॉपर कंटिन्यूस भट्टा होता है, इससे किसी भी सीजन में ब्रिक जो होती है प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉस्ट ऑफ फ्यूल। तो जो बुल्स रैंच क्लीन है इसमें कॉस्ट ऑफ फ्यूल जो होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है, जबकि होफमोन क्लीन जो होती है उसमें कॉस्ट ऑफ फ्यूल कितनी होती है, लो। इनिशियल कॉस्ट की बात करें, यानी कि अगर हमें भट्टा स्टार्ट करना हो तो इनिशियल कॉस्ट कितनी लगेगी, इसमें कॉस्ट जो होती है वो कम लगती है, जबकि इसमें कॉस्ट जो होती है वो हाई होती है। इसलिए इसका यूज़ जो होता है वो लार्ज स्केल पर किया जाता है। ड्राई ऑफ पैलेस की बात करें, यानी कि सुखाने के लिए कितने स्पेस की आवश्यकता होती है, तो इसमें मोर स्पेस यानी कि बहुत ज़्यादा स्पेस की आवश्यकता होती है, जबकि इसमें लो स्पेस यानी कि कम स्पेस में काम चल जाता है। बात करें पॉपुलरिटी, तो इसकी कॉस्ट जो होती है इनिशियल कॉस्ट वो लो होने के कारण ये मोर पॉपुलर होता है, जबकि इसकी कॉस्ट जो होती है वो इनिशियल कॉस्ट हाई होने के कारण ये कैसा होता है, लेस पॉपुलर होता है। अब नेक्स्ट बात करें लास्ट सूटेबिलिटी। तो अगर ब्रिक नॉट रिक्वायर्ड इन मानसून सीज़न, क्योंकि ये कैसा होता है, सेमी कंटिन्यूस होता है, अगर मानसून सीज़न में हमें ब्रिक की आवश्यकता नहीं है तो हम बुल्स रैंच क्लीन जो होता है वो सूटेबल होता है। लेकिन अगर हमें पूरे ईयर ब्रिक की आवश्यकता है तो फिर हमें कौन सा क्लीन यूज़फुल होता है, होफमोन क्लीन। तो आई होप गाइज आपको ये समझ में आ गया होगा डिफरेंस बिटवीन बुल्स रैंच क्लीन एंड होफमोन क्लीन। अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।